जब भी हम पहलवान या बॉडी बिल्डर्स का जिक्र सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक व्यक्ति की ही तस्वीर आती है, उभरी हुई मांसपेशियां और तना हुआ शरीर। यह अनंत काल से ही एक पुरुष पहलवान का परिचय रहा है, लेकिन आज के समय में जब पुरुष महिलाओं की परिभाषा और परिचय के दायरे खुलते जा रहे हैं, महिलाएं भी बॉडी बिल्डिंग आजमाने लगी हैं। 1970 के दशक से महिलाओं के लिए भी बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाने लगा। सिर्फ इतना ही नहीं, महिलाओं ने बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में अपनी एक नई पहचान बनाई है। तो आइए आपको ऐसी महिला बॉडी बिल्डर से रूबरू कराते हैं। ग्लैडिस पोर्चुगस 30 सितंबर 1957 को जन्मी ग्लैडिस विश्व की सबसे प्रचलित महिला बॉडी बिल्डर्स में से एक हैं। इन्हें देखकर आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे ये दो बच्चों की माँ हैं। इन्होंने अपनी पहचान मिस ओलंपिया प्रतियोगिता से बनाई, जिसमें उन्होंने मिस ओलंपिया का टाइटल अपने नाम किया। डायना केदेव मिस इंटरनेशनल और मिस ओलंपिया में दूसरा स्थान अपने नाम करने वाली डायना द गिफ्ट के टाइटल से भी जानी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रेंच भाषा में केदेव का गिफ्ट होता है। इन्हें कनाडा की सबसे प्रसिद्ध महिला बॉडी बिल्डर में गिना जाता है। यह अकेली कैनेडियन महिला जिन्होंने मिस ओलंपिया लाइटवेट प्रतियोगिता में जीत दर्ज की। चाइना, इनका असली नाम जोआन मैरी लॉरर है। इन्होंने बॉडी बिल्डिंग में असली पहचान 1997 में बनाई, जब इन्हें विश्व कुश्ती संघ ने विश्व का नौवा अजूबा घोषित कर दिया। विश्व कुश्ती फेडरेशन में कई लाजवाब खिताब अपने नाम करने से पहले इन्हें ग्लैमर मॉडल के तौर पर जाना जाता था। 2016 में विश्व ने इस कीमती महिला पहलवान को हमेशा के लिए खो दिया, जब सिर्फ 46 साल की उम्र में ही इनकी संदेहजनक हालतों में मौत हो गई। उनकी मौत का कारण आज भी रहस्य के पर्दों के पीछे छिपा हुआ है। ब्रिगिटा ब्रेजोविक, 10 वर्षों तक बॉडी बिल्डिंग की दुनिया पर राज करने वाली ब्रिगिटा का पहलवानी करने का सफर 2001 से शुरू हुआ, लेकिन इनकी जीत के सिलसिले ने सन 2004 से ही रफ्तार पकड़ी। इन्हें IFBB प्रो कार्ड 2009 में जाकर मिला, जब उन्हें विश्व महिला चैंपियनशिप में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। कोरिना एवर्सन, 31 साल की उम्र में 6 बार लगातार मिस ओलंपिया का खिताब जीतने वाली कोरिना केवल एक अव्वल दर्जे की बॉडी बिल्डर ही नहीं बल्कि एक जानी मानी लेखक भी हैं। इनकी लिखी लगभग सारी किताबें बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस पर आधारित हैं। 1989 में पहलवानी से संन्यास लेकर इन्होंने 1991 में सिनेमा की ओर कदम बढ़ाया और कई जानी मानी फिल्मों में अभिनय भी किया। रैचल मैकलिश, स्वास्थ्य पोषण और शरीर विज्ञान की छात्रा रही रैचल ने महिला बॉडी बिल्डिंग पत्रिकाओं से प्रेरित होकर पहलवानी की दुनिया में कदम रखा। 1980 का दशक रैचल के लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ। उन्होंने 2 बार मिस ओलंपिया का खिताब अपने नाम किया, लेकिन उनका यह सफर इसलिए खास हो जाता है क्योंकि मिस ओलंपिया का खिताब जीतने वाली वो पहली महिला थी। इन महिला पहलवानों ने समाज में एक औरत को लेकर जितनी भी रूढ़िवादी मान्यताएं हैं उन पर विराम लगा दिया। इन्होंने एक स्त्री होने की बाहरी परिभाषाओं को नकार कर अपने लिए एक नया रास्ता बनाया। इन महिलाओं को प्रेरणा मानकर आज के दौर में ज्यादा से ज्यादा महिलाएं अब कुश्ती, पहलवानी और कसरत जैसे क्षेत्रों में भी न केवल हाथ आजमाने लगी हैं बल्कि नाम भी कमाने लगी हैं। आपको इन महिलाओं का पहलवानी अंदाज कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।